हेलो एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ हॉब्स लर्नर्स। बी रेडी फॉर लर्निंग समथिंग डिफरेंट, दैट इज थ्री वर्ड्स, बट बैक एंड बॉथ। हाउ वी कैन यूज दीज थ्री वर्ड्स इन द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज द वेरियस यूजेस इन द वेरियस फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच? यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच are those words which help us in making a speech, like verb, noun, pronoun, adverb, adjective, interjection, conjunction, preposition. So these are the parts of speech. So learners, today we will learn that how we can use these three words, but, back and both, in different situation as different parts of speech. So be ready for learning it. It's a new concept for all of us. बी रेडी। हियर इज बट। बट को हम किस किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? हियर आई हैव रिटन यूज एच, हियर इज द मीनिंग, एंड हियर आई हैव यूज दिस वर्ड इन सेंटेंसेज सो दैट देयर इज द इजीनेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? लेट्स गेट गोइंग लर्नर्स। द फर्स्ट यूज इज एज एडवर्ब। बट को हम एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे? इसका मीनिंग होगा यहाँ पर मगर और केवल। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन बट ओनली गो देयर। ही कैन बट, बट जो सेंस दे रहा है, इट इज गिविंग द सेंस ऑफ ओनली गो देयर, ही कैन बट। अब हमें पता है कि एडवर्ब क्या करती है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, जो वर्ब के आपको थोड़ा सा क्वालिफाई करता है। ही कैन डू एनीथिंग एल्स? नो, बट गो देयर, जा सकता है। ओनली गो देयर, तो किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? वर्ब गो को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई हियर इट इज यूज एज एन एडवर्ब। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन। बट इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन। इसको प्रपोजिशन कैसे यूज करेंगे सो दैट इट कैन चेंज द होल सेंटेंस मीनिंग? इसका यूज होगा वहां पर सिवाय, ओके, नन बट द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। दिस इज बेस्ट फ्रेज, प्रोवर्ब है कि नन बट, कौन बट, इट इज चेंजिंग द सेंटेंस कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन को चेंज कर रहा है सेंटेंस के। नन कोई नहीं, बट बेस्ट डिजर्व द फेयर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द बेस्ट। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है कि द बट हेयर यूज एज द प्रपोजिशन, कि और कोई नहीं, द ब्रेव, ब्रेव के अलावा कोई भी बेस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता, तो कोई नहीं के साथ यूज करते ही बट ने पूरे सेंटेंस को चेंज कर दिया। दैट्स वाई इट इज प्रपोजिशन। नाउन से पहले यूज हुई है प्रपोजिशन। इट हैज टेकन इट्स प्रपोजिशन बिफोर द नाउन। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। हम इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मीनिंग होगा किंतु या लेकिन। श्यामा वेंट, श्यामा गया, बट गौरी स्टेड एट होम, लेकिन गौरी घर पर ही रही। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। श्यामा वेंट, दिस इज वन क्लॉज। गौरी स्टेड एट होम, दिस वन इज द सेकेंड क्लॉज। And by connecting these two clauses, so it performed as a conjunction. Clear? Then noun and verb. Now, as a noun also, as a verb also in the same sentence. Noun is the subject of the sentence. अब यहाँ पर as a noun ये कहेगा कि मेरे सामने और कोई नहीं, और verb की sense आ रही है एतराज ना रखना, कोई problem ना होना। बट मी नो द बट्स। बट मी मीन्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने नो बट्स, कोई अगर मगर नहीं, कोई एतराज नहीं। धमकी दे रहे हो किसी को, दैट मेरे सामने मीन्स यू आर द सब्जेक्ट, बट मी मेरे सामने, यू आर द सब्जेक्ट, नो बट्स। नो बट्स मीन्स आनाकानी नहीं, एतराज नहीं, अगर मगर नहीं। आई होप कि आपको लर्नर समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड इज द बैक। इन द सेम वे वी विल यूज बैक इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच।
एज अ नाउन इट विल गिव अस द मीनिंग ऑफ पीठ, हमारी जो कमर होती है उसका मीनिंग देगा. देखिए, देयर इज अ बैग ऑन हिज बैक. बैग कहाँ पर है? ऑन हिज बैग. बैग, हिज बैग इज परफॉर्मिंग एज अ नाउन. नाउन की परफॉर्मेंस दे रहा है. नाउन कैन बी यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो हिज बैक, तो ये जो बैक है, बैक मीन्स कमर, हमारी बॉडी पार्ट. क्लियर? एज ए नाउन यूज हेयर. देन वर्ब, वर्ब होता है सहायता देना, टू सपोर्ट, किसी को सहायता करना, सपोर्ट करना. एग्जाम्पल देखिए, आई बैक हिज बॉय, मैंने उसके लड़के को सहायता दी और सपोर्ट किया. सो हियर इट इज वर्ब. क्लियर? समझना है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है. नेक्स्ट वन, एज एन एडजेक्टिव. बैक वर्ड कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. कैसे क्वालिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को? ये सेंस दे रहा है पिछला, मीन्स लास्ट. ओके, स्टूडेंट्स वेंट बाय द बैक डोर. स्टूडेंट्स चले गए कहाँ पर? बाहर. किस से? बाय बैक डोर. डोर इज नाउन, बिफोर दिस वी हैव यूज्ड बैक. इट मीन्स इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ डोर. विच डोर? बैक डोर, पिछले वाला दरवाजा. तो क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि दरवाजा कौन सा, आगे वाला, पिछले वाला, साइड वाला, इधर वाला, उधर वाला, पिछला दरवाजा. सो हियर इट इज टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ डोर, समथिंग अबाउट द डोर, अबाउट द नाउन. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. एडवर्ब विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. अब यहाँ देगा ये पीछे की ओर, मीन्स इट इज टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन, किस साइड से आना हुआ. नरेश केम कम बैक फ्रॉम दिल्ली. कम बैक, कम बैक. अब ये जो बैक है ये किसके बारे में बता रहा है? अबाउट द वर्ब कम. आया कब? पीछे से आया, बाद में आया, वापिस आया. ओके, तो ये आने का बता रहा है कि आ गया वापिस फ्रॉम दिल्ली. तो इट इज टेलिंग अस अबाउट दिस वर्ब. सो हियर इट इज यूज एज एन एडवर्ब. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द बोथ. बोथ कैन बी यूज इन द सेम कंटेक्स्ट, मीन्स एज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट वन वी कैन यूज एज अ प्रोनाउन. कैसे? नाउन और प्रोनाउन मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दोनों, तीनों में ही हम दोनों के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि बोथ का मीनिंग ही दोनों होता है, दो. बोथ ऑफ देम हैव डन दिस वर्क. बोथ ऑफ देम इज द सब्जेक्ट. वो दोनों, उन दोनों ने क्या किया? हैव डन दिस वर्क. उन दोनों ने ये काम किया. दो सब्जेक्ट हैं. ओके, बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. हम इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं. हाउ? एडजेक्टिव मीन्स व्हेन इट विल टेल अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन. ये भी दोनों का ही सेंस देगा, बट इट विल क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. आई नो बोथ पार्टीज. पार्टीज इज नाउन एंड टेलिंग अस दैट नंबर. क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. कौन सा नंबर? एडजेक्टिव है, यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हमें बता रहा है कि पार्टीज हैं कितनी, दो. सो आई नो, मैं दोनों ही को जानता हूँ. किसको? दोनों पार्टीज को जानता हूँ. सो पार्टीज के बारे में बता रहा है कि पार्टीज दो हैं. इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. समझ में आ गया? एंड द लास्ट वन, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन. जो दो क्लॉजेस, दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है. एग्जांपल देखिए, बोथ एंड विनोद मिनोज आर एब्सेंट. इट सिंपली मींस कि विनोद इज एब्सेंट एंड मनोज इज एब्सेंट. बट बाय यूजिंग बोथ एंड इट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. बोथ और एंड का पेयर होता है, तो बोथ एंड, बोथ एंड के साथ मिलकर पेयर बनाया. एंड इट हैज बीन यूज्ड एज एन कंजंक्शन बाय कंबाइनिंग दिस टू डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस. सो लर्नर्स, आई होप कि ये जो ग्रामेटिकल कंटेंट है आज, उसको अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर अच्छा आपको अच्छे से समझ में आया है एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज वेरियस एंड यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स, देन थम्स अप तो बनता है. गिव योर लाइक, शेयर, कॉमेंट दैट हाउ is this video for you. And if you are not subscribed, subscribe our channel, The Rise of Hops. Thank you so much.